आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा सबसे पहले मैं जो बोलूँगा उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अब अंडमान निकोबार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी, हमारे अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्लस हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये निवेदन है कि आप मेरा ये न्यूज़ को सुनिए और आप सडन इंस्पेक्ट करिए जगह पे पहुंचकर। इवन मेरा रिक्वेस्ट सेक्रेटरी IPNT और डायरेक्टर से भी है। मैं हाल में ही चेन्नई से वापस पोर्टब्लेयर लौटा हूँ मेरी माताजी का सर्जरी करा के। मैं KK नगर गेस्ट हाउस में रुका और वहाँ में देखने को बड़ा अजीब सा चीज़ वहाँ में नज़र आई मुझे, और मैं पता करा कि क्यों ये इतना गंदा है, क्यों मेंटेनेंस नहीं है। तब जाके मुझे जो वहाँ के लोगों से जानकारी मिली मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरा रिक्वेस्ट है IPNT डायरेक्टर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कि आप इस पर गौर करिए। सबसे पहले मुझे ये पता चला है कि वेल्लचेरी करके एक जगह है चेन्नई में जहाँ पे अंडमान निकोबार भवन के लिए भूमि दी गई थी 2.5 एकड़ की, वो भी 1991 में। आज तक वो ज़मीन ऐसी ही ब्लैंक पड़ी हुई है। KK नगर गेस्ट हाउस जो है वो CPWD की है, जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन हमारा IPNT उसे लीज या रेंट अब सोचिए लेके चला रही है। वो भी आपका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जो है वो CPWD के हाथ में है। जब मैंने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम जो है वो CPWD देखती है, क्योंकि बिल्डिंग उनकी है। और हमने कई बार, ये मुझे KK नगर गेस्ट हाउस से लोग बताए हैं उनके स्टाफ, कई बार जो है हमने CPWD से कहा है मेंटेनेंस के लिए, पर वो मेंटेनेंस नहीं कर रही है। बिल्डिंग जो है एकदम क्रैक है, क्रैक होके गिर रही है, और इस तरह हालत में है हमारा KK नगर गेस्ट हाउस चेन्नई में अंडमान भवन। तो मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि जब वेल्लचेरी में आपको 2.5 एकड़ जमीन 91 में मिली है, तो उसमें आप क्यों नहीं अपना खुद का अंडमान भवन वहां में कंस्ट्रक्ट किए? कई साल हो चुके हैं, आप लीज में क्यों हो? दूसरी चीज जो मुझे देखने में आई है, ये बड़ा दुखद खराब बात है कि हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है, डिक्लेयर भी किया है कि पेशेंट जो है वो KK नगर गेस्ट हाउस में रुकेंगे, और जो नॉर्मल आदमी है अगर KK गेस्ट हाउस में वैकेंसी है तो वो वहां पे रुक सकते हैं या आप अन्नानगर गेस्ट हाउस पे। पर देखा गया ये है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, अभी मान लीजिए आप एक बड़ा सर्जरी करके आए हो, तो आप पहला बात तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक चल ही नहीं सकते हो, वहां पे सीढ़ी है, लिफ्ट है ही नहीं, तो पेशेंट जाए तो कैसा जाए फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक? दूसरी चीज, IPNT के जो वहां स्टाफ रिक्रूट है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो रेगुलर है परमानेंट है। वहां पे एक ही DRM मेंबर है जो रूम भी देखता है, साफ करता है, झाड़ू भी लगाता है, पानी भी देता है, सभी करता है। और जो परमानेंट स्टाफ है वहां पे कुक बन के बैठे हुए हैं। आपका भी 3 महीना होने को आया है, मैं डायरेक्टर IPNT से पूछना चाहूंगा, इवन सेक्रेटरी IPNT से, आपकी तरफ से एक लेटर पास हुई थी कि जो कर्मचारी है वो अपना काम करेंगे, किचन को आप बंद कर दीजिए या प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, तो ये अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? आपका स्टाफ बराबर काम क्यों नहीं कर रहे हैं?
जो जिस पे वो रिक्रूट हुए हैं। दूसरा चीज, एक DRM को आप लगड़ रहे हो। जब आगे मैं और पता करा तो ये पता चला है मुझे, आपका अन्नानगर गेस्ट हाउस में एक असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार बोल के, 7 साल हो गए उसको, वो यहाँ से गया था ट्रीटमेंट के लिए, उसको वन साइड पैरालाइज हुई थी। अच्छा से सुनिए बात, वो पैरालाइज में ट्रीटमेंट के लिए गया है, आज वो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होल्ड कर रहा है वहां पे। किस बेसिस में? क्या उसका ट्रांसफर हुआ या उसको पोस्ट दिया गया है? जब आगे और पता किया तो मुझे ये पता चला, DRC जो हमारा विक्टर साहब थे वो रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को दिए चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वाला जब वो रिटायर हो गया तो PWD को दिया चार्ज, PWD वाला वो जब रिटायर हुआ तो इनको चार्ज दिया, मिस्टर कृष्ण कुमार को। तो क्या 7 साल लगता है क्या एक पैरालाइज पेशेंट को? आज जो वहां बैठा हुआ है किस बेसिस में बैठा हुआ है? उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? या एडमिनिस्ट्रेशन या का IP&T डायरेक्टर या सेक्रेटरी क्यों नहीं पूछ रहा है उनसे कि आप किस वजह से वहां पे बैठे हो? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा ये, और वहां पे बैठ के मोनोपोली किया जा रहा है, जैसा कि आपने सुना हुआ था बीच में साइक्लोन आया था पौंडेचेरी आपका चेन्नई वगैरह सब जगह पे पानी भर गया था, वहां पे इन्होंने क्या किया, बेस में, ये अन्ना नगर की बात बता रहा हूं, बेस में PWD ऑफिस है, पानी जब भर गया था इनको 306 रूम नंबर अन्ना नगर वो अलॉटमेंट किया गया। उसका बाद इन्होंने क्या करा, आपका जो डाइनिंग रूम है उसको भी आधा कैप्चर कर दिया, वहां में PWD का 3 सेक्शन बन गया है। भाई किस बेसिस में क्या कर रहा है PNT? यहां से लोग जा रहे हैं, आप उनका रूम कैप्चर करके बैठे हो, खाली क्यों नहीं करा रहे हो? तो मेरा यह रिक्वेस्ट है, ये जो मोनोपोली वहां में चला जा रहा है और गेस्ट हाउस में जो खेल किया जा रहा है, इससे तुरंत बंद किया जाए और मिस्टर कृष्ण कुमार को इमीडिएटली वहां से ट्रांसफर किया जाए। 7 साल हो गए उनका वहां पे। तीसरी बात, अगर एक पेशेंट गया ट्रीटमेंट में, सर्जरी करा के अगर आया है KK नगर में वो रह रहा है, क्या आप पेशेंट को 7 दिन होगा तो निकाल लोगे रूम से? ये मेरे आंखों देखी बात है, रूम नंबर 19 में एक पेशेंट रुका हुआ था, मिस्टर सुरेश, वो फादर है और चर्च का फादर है वो, और वो 11 चरमा TTI कॉलोनी के वहां रहता है, TTI कॉलेज के पास में। उनका बहुत बड़ा सर्जरी हुआ है, 7 दिन होने के बाद उसको रूम से निकाल दिया गया है। उसका शिकायत मैंने वहां पे की तो मुझे ये बोला गया कि वो बोला है कि मेरा रिलेटिव है, मैं उनके घर जा रहा हूं। तो जब मैंने सुरेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा, सर अगर मेरा रिलेटिव होता तो मैं गेस्ट हाउस में आके क्यों रुकता, मेरा 25th को फ्लाइट है सर, और अभी सैटरडे को मुझे निकाल रहे हैं रूम से, दो दिन का बात है सर, संडे मंडे ट्यूसडे को मेरा फ्लाइट है, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया मगर मेरे बात नहीं माने, मुझे ये बोला गया कि आपको तुरंत अभी रूम खाली करना है, मैं अपने फैमिली और बच्चे के साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? ये सब हो रहा है सर, MP साहब ये सब हो रहा है हमारे अंडमान लोगों के साथ, ये सब हो रहा है IP&T के डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और LG साहब, सुनिए ये है रियलिटी। अगर मेरा स्टेटमेंट में आप लोगों को कोई भी जगह गलत लगे आप मुझे बुला के पूछ सकते हो, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर से लोग जाते हैं अपना इलाज के लिए, घूमने के लिए नहीं जाते हैं KK नगर में। एक तो वहां पे लिफ्ट नहीं है, आपने CPWD की क्वार्टर लीज में लेके रखी हुई कई सालों से, आप पेशेंट चले तो कैसे चले, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी पेशेंट है वो KK नगर में रुकना, फर्स्ट फ्लोर तक कैसा जाए वो, सेकेंड फ्लोर तक कैसा जाए वो, आप मुझे बताइए ना। और दूसरी चीज, जब 91 से आपको वेलेचेरी में 2.5 एकड़ जमीन अलॉटेड है तो अभी तक आप वहां पे बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए, क्यों आप लीज में हो CPWD क्वार्टर में?
और जो कैंटीन चल रही है ये आपके स्टाफ के द्वारा चल रही है, क्या आप लोगों को इसका रेवेन्यू आती है? जो कैंटीन से जितने लोग के नगर गेस्ट हाउस में रुके हैं वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, इसका हिसाब आपको मालूम है? क्या वो आपको कलेक्शन करके आपके स्टाफ आपको देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। ये बीच में सबका आपस में बटता है, ये है मोनोपोली। मतलब यहाँ का लोग जाए, एक तो वहाँ एक अनजान जगह जाते हैं और वहाँ पे अंडमान गेस्ट हाउस है, अपना गेस्ट हाउस है करके लोग जाके रहते हैं, उनका साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। और तो और सुनिए, IPNT का एक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी मेरे साथ आके रूम नंबर 9 में रुका था, वो खुद मुझे जब सुना वो मेरे पास में आया, बोला क्या है? हम बोला सर ना तो रूम में टीवी है, सारा रूम में टीवी लगा के रखे है, अंडमान के लोग आते हैं वो लोग हिंदी चैनल प्रेफर करते हैं, यहाँ पे सब साउथ इंडियन का चैनल चल रहा है। पूछे, पूछने पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज, फ्रिज है नॉन वर्किंग बेसिस में, पोर्टेबल फ्रिज, एसी है नॉट वर्किंग पोजीशन में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, के नगर में टोटल 24 रूम्स है, जिसमें से 17 रूम है आपका एसी, 4 रूम है नॉन एसी, 3 रूम जो है VIP के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें रिजर्व रहता है इन केस एमरजेंसी में कोई पहुंच जाए तो उनको देने के लिए, जो कि चीफ सेक्रेटरी दे सकता है, आपका LG साहब दे सकता है, आपका MP साहब दे सकता है। तो इतना सब कुछ हो के ये क्यों नहीं है? तो वो मुझे कहा, देखिए पानी खुद मिट्टी की है, वो खुद रिकॉर्डिंग कर रहा है मिट्टी का पानी, मैं लेके जाके पोर्टबेयर में दिखाऊंगा। तो आप सोचिए, पेशेंट ले रहा है सर्जरी करा के, मिट्टी का पानी आ रहा है, खाना उसको ठीक तरीके से जैसा उसको चाहिए नहीं दिया जा रहा है। तीसरा चीज, साफ सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, एक DRM को रख के आप सारा काम करा रहे हो। चौथा चीज, जो भी आपका खाने का पैसा आ रहा है वो ये अपने पॉकेट में बांट रहे हो सब आपस में मिलके। जब डायरेक्टर IPNT ने ये अभी 3 महीना होने को आया है, जब एक क्लियर कट बोल दिया है कि आप किचन नहीं चलाइए, आप अपना काम करिए, किचन को बंद कर दीजिए या प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, तो ये डायरेक्टर IPNT का बात क्यों नहीं सुने? क्या डायरेक्टर IPNT इसके ऊपर स्टेप लिया या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि उसका जो मुताबिक रूल के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, IPNT डायरेक्टर, IPNT सेक्रेटरी, इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, आप लोग तो पोर्ट ब्लेयर से डायरेक्ट दिल्ली जाते हो, ना तो कोई चेन्नई जाता है, ना कोई कलकत्ता जाता है, ना कोई वेजाग जाता है, आप लोगों को यहाँ का स्थिति बिल्कुल भी नहीं पता क्या चल रही है यहाँ पे। आप सडन डेथ, आप जाइए विजिट करिए, आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या चल रही है। ये जो हो रही है ये बिल्कुल गलत रही हो रही है, और आप इसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए, स्टाफ को वहाँ से ट्रांसफर कीजिए, नया स्टाफ डिप्यूट करिए, ये है मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट। देखिए अभी जैसे कि हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट हमारे राकेश भाई ने जो कहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे आइलैंडर्स लोग जब मेनलैंड जाते हैं तब अंडमान हाउस या अंडमान गेस्ट हाउस का एक बहुत बड़ा भरोसा रहता है उनके अंदर में, जो खास करके जैसा बोला गया है कि ट्रीटमेंट के लिए जो जाते हैं उनका मतलब हेल्थ के प्रति हाइजीनिक होना और एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया रहता है खास करके हमारे आइलैंडर्स के ऊपर में, ये मेरे ख्याल से अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्टर में देख लीजिए, नॉट ओनली इन दिस आपका गेस्ट हाउस, अंडमान गेस्ट हाउस का बारे में जो कंप्लेंट्स आया है ये आज का नहीं है, बहुत काफ़ी पुराना कंप्लेंट्स भी है हमारे पास में, लेकिन इसको नज़रअंदाज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट्स और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स है इसमें भी मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना चाहिए,
क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र का इशू है, ये मेरा ख्याल से हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र का इशू रहा है। जो अपने लोग हैं, जो अपने करीबी लोग हैं, उनका ट्रांसफ़र जो है ऐसे जगहों पर किया जाता है और वहाँ से हटाया नहीं जाता है दोबारा, कि उनको सुविधा रहे, उनको आराम रहे काम करने में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वर्ताव जो है ये सही नहीं है। धीरे धीरे पब्लिक को और हम जैसे लोगों को सारा डिटेल्स पता चल रहा है, और नेक्स्ट टाइम जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी हम बोलेंगे, ऐसे ही ट्रांसफ़र का इश्यूज़ है जो ऑर्थो डिपार्टमेंट का है, मायाबंदर और कचाल में जो ऑर्थो इंचार्जेस है वो पोर्टब्लेयर में आके बैठा हुआ है, वहाँ का कोई भी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है, जबकि उन लोग यहाँ रहते हुए वहाँ का पेशेंट को यहाँ पर मंगाया जा रहा है। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। और रही बात हमारे जो नए चुने हुए एमपी की, मुझे पूरा आशा है कि आज राकेश भाई ने जो गंभीर आरोप हमारे अंडमान गेस्ट हाउस को लेकर लगाए हैं, ये एमपी साहब बहुत ही सीरियसली लेंगे, और जो भी सही रहे उनके मुताबिक या फिर जो भी कार्रवाई होना चाहिए ये तुरंत से तुरंत हो, ये हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से एक डिमांड रहेगा। थैंक यू सो मच।